मर जानिए क्यों ना करे बखानी है आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानी है होली होली अखां नाल कर दी शैतानी है नी मेरा दिल लै गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों ना करे बखानी है आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानी है नी मर जानिए क्यों ना करे बखानी है आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानी है होली होली अखां नाल कर दी शैतानी है नी मेरा दिल लै गई तू मर जानिए रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी रंग आपको खुश हम देख रहते हैं जी, बहुत शुक्रिया मैं। और हमेशा आप लोग मोहब्बत में बांटते हैं दरगाह गैर में। पंजाब नहीं जाऊंगे उसके बाद ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? हमारी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बस आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से ही हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, क्योंकि एज आर्टिस्ट हम अपना बेस्ट देते हैं, हम पूरा काम कर लेते हैं और इस उम्मीद के साथ और इस दिल के साथ करते हैं कि आप लोगों के दिलों को छुएगा। सो होपफुली पंजाब नहीं जाऊंगी की तरह ये फिल्म भी, मैंने नहीं जाऊंगा भी, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज इन इट और इट्स अ प्योर पाकिस्तानी एंटरटेनर। तो जो हम लोग इतने अरसे से क्रेव कर रहे थे, कोविड की वजह से देर वॉज़ अ ह्यूज गैप ऑफ 2.5 years, तो अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है एंड फाइनली द मूवी इज़ कमिंग टू द बिग स्क्रीन फॉर यू गाइज ऑन ईद, जो कि हमारी तरफ से एक तोहफा है आप लोगों के लिए। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरी उतरे। फिल्म साजी में वो कौन सी रुकावटें हैं जी जो हमें इतना ज़्यादा इंतजार करना पड़ा और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? उस रुकावट का नाम है कोविड और आप उसको मास्क पहन के और सैनिटाइजर इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं। हाँ। और साथ दुआओं की भी जरूरत होती है। सबसे पहले हम माजरा चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा, हम बस कुछ चलने में हमें देर हो गई वहाँ से निकलते हुए और उसके बाद फिर रास्ता कुछ लंबा हो गया। हम एक तो हदफ भी ना था, हम गलत फील्ड में घुस गए थे, वापस GPS ने डाला, तो इसलिए हम माजरा चाहते हैं। आप लोगों ने वेट किया, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारे साथ नहीं है, उनकी कुछ तबीयत ज़रा ख़राब है जिसकी वजह से उनको डॉक्टर ने कल का रेस्ट कहा हुआ है, तो वो कल भी नहीं आ सके थे, आज भी नहीं। उनके बिहाफ पे भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और साथ ही साथ माजरत भी दोबारा से एक बार कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और रहा था आपका सवाल, तो मैंने आपको बता दिया कि यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम रुके हुए थे 2.5 साल से, वरना फिल्म तो हम शायद 2020 के अंदर ही ले आते, लेकिन क्योंकि सारी दुनिया की तरह हम भी फंस गए और अब अल्लाह का शुक्र है कि नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। और हम जी जो ओवरसीज है, किस हद तक उम्मीद रख सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा हमारी अपनी प्रोडक्शन के लिए? अभी तो इसका कोई नहीं, क्योंकि हमने फिल्म बनाई है इसीलिए कि आप लोग सिनेमा में जाके देखें इसको, वरना ये OTT वाली फिल्म होती, ये OTT वाली फिल्म नहीं है, ये सिनेमा स्क्रीन की फिल्म है। तो अभी आप फिलहाल सिनेमा में देख लें, बहुत सारे अरसे के बाद इंशाल्लाह ये OTT पे भी आ जाएगी। थैंक यू। वकार भाई 92 न्यूज सवाल जी। वकार भाई, इसमें थोड़ा सा थीम बता सकते हैं इस फिल्म में कि ये किस तरह की फिल्म होगी और लोग इसको देखने क्यों आए, उसमें क्या खास? रोमांटिक इमोशनल ड्रामा फिल्म है और देखने इसलिए आए क्योंकि फैमिली फिल्म है, तो आप बिला झिझक देख सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये एक अच्छी बात होती है पाकिस्तानी फिल्म की कि आप बगैर किसी हिचकिचाहट के या बगैर किसी घबराहट के देख सकते हैं, तो ये भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ आप इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं, आपको अकेले अकेले नहीं आना। ऑल्सो जैसे पंजाब नहीं जाऊँगी मैं कुछ इस तरह की लिखाई थी, इस तरह लिखा था खलील अरमान खानो साहब ने कि कोई सीरियस बात में कोई ह्यूमरस बात हो जाती है और कोई मजाक की बात में ही कोई ऐसी संजीदा है सीरियस बात हो जाती है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो कि डायलॉग्स की शक्ल में और कहानी की शक्ल में आप लोगों को नजर आएंगे। नादिया साहिबा, दुनिया न्यूज़ जी। ये कुबरा साहिबा, हमें ये बताइए कि आपकी ये क्या पहली फिल्म है? जी मेरी पांचवी फिल्म है, बल्कि हमने 3 साल पहले 4 साल पहले जवानी फिर नियानी 2 भी रिलीज की थी और उससे पहले मेरी शुरुआत एक्चुअली फिल्म से ही हुई थी, नामालूम अफराद से। सो या टू आंसर योर क्वेश्चन, तो आपको सबसे ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस किस फिल्म में अच्छी लगी जो आपकी पहले आ चुकी है? आई थिंक हर प्रोजेक्ट आप करते हैं उससे आप ऑब्वियसली सीखते हैं, तो ये जो कैरेक्टर है मेरा अर्जुन का, ये बहुत मुख्तलिफ है, यार में बहुत किस्सा बिटा जवाब है जो आप नॉर्मली देते हैं लेकिन एक्चुअली बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं एक पंजाबी लड़का किताब लेकर रही हूँ,
तो ऑब्वियसली काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा, डायलॉग पर बहुत काम करना पड़ा मुझे, लेकिन आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट आई हैव डन दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू टू सी. अदीब भाई, हम न्यूज़. सर, मेरा क्वेश्चन यह है कि आप लोगों को मसला क्या है? एक आप कहते हैं कि पंजाब नहीं जाऊंगी, दूसरा कहता है लंदन नहीं जाऊंगी. ये मसला जो है ना, ये बहुत गंभीर मसला है. और कहते हम यही है, जैसे मैंने कहा पंजाब नहीं जाऊंगी लेकिन मैं चली गई, इसी तरह हुमायूं सईद ने भी कहा कि लंदन नहीं जाऊंगा लेकिन आप लोग ट्रेलर से देख सकते हैं कि वो जाते हैं. तो ये बस हमारे सियासी बयान है. बस कुछ ऐसा ही है. अनीरा, बेहतरीन से आप भी कर लीजिए सवाल. जब भी कहा जाता है फैमिली फिल्म है या फैमिली ड्रामा है, उसका मेन कॉन्सेप्ट फैमिली के हिसाब से आपका क्या होता है? क्योंकि जब भी फिल्मों की बात की जाती है तो उसमें फैमिली का जो आंसर होता है वो थोड़ा सा नज़र नहीं आता, लेकिन अक्सर यही अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को कि ये फैमिली फिल्म है. और जबकि ड्रामा में भी आजकल ये फैमिली का हमें वैसा नहीं दिखाई देता. अच्छा, मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म ये नहीं है कि वो कहानी फैमिली के ऊपर बनी हुई है, ये होना नहीं चाहिए. मतलब मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन नहीं है. फैमिली फिल्म वो है जो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकें. मतलब अब आप इमरान हाशमी की फिल्म तो अकेले देखने जाएंगी ना, तो वो आप ये तो पता नहीं कि डिपेंड किस पे करता है. तो इमरान हाशमी पर डिपेंड करेगा कि उसने किया क्या है अंदर. लेकिन तो आप पूरी फैमिली के साथ नहीं जा सकेंगे. तो मुझे लगता है कि वो एक फैमिली फिल्म नहीं होती. शायद मेरे हिसाब से फैमिली फिल्म वो है जो कि आप सब अपने अपने वालदा, अपने वालिद, अपने बच्चों को, अपनी बहन भाइयों को आप इकट्ठे लेके जा सकें. आई थिंक दैट इज अ फैमिली फिल्म. ये नहीं कि फैमिली की थीम के ऊपर फिल्म हो, अगर हो तो कुछ बुरा नहीं. होता है कि मैसेज भी होता है उसमें फैमिली के लिए, जैसे हमारी कदरों को लेके. अच्छा, ये आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये मैसेज जो है, मैं खुद क्योंकि इतना, मैं सिर्फ अपनी जाती बात कर रहा हूँ, इन लोगों की नहीं या फिल्म की नहीं, मैं जाती तौर पे मैसेज कहकर देने का आदी नहीं हूँ, ना मैं उससे एग्री करता हूँ. अगर मेरा या किसी का भी, मेरा मुझे लगता है ऐसा एक आर्ट वर्क होता है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है, उसमें अगर आपको कोई मैसेज मिल गया तो बहुत बेहतर, अगर नहीं मिला तो भी कोई मसला नहीं है. अगर तो मैंने आपको एंटरटेन कर लिया तो मैंने आपका वक्त भी वर्थ इट था, आपके पैसे भी वर्थ इट थे. तो जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कई बार ये जो मैसेज वाली चीज़ है, ये कई बहुत से लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसमें सिर्फ मैसेज ही होता है, एंटरटेनमेंट नहीं होती. तो वो डिलीवर नहीं होता, वो डिलीवर नहीं हो पाता. तो मुझे लगता है ये फोकस बहुत मैसेज पे मैं नहीं कम से कम करता, मैं सिर्फ इस पे करता हूँ कि एंटरटेनमेंट हो. वो मैसेज कहीं भी निकला है तो निकला है, मगर एज फार एज दिस फिल्म इज कंसर्न्ड, इसमें एक्चुअली जो आपका है सवाल उसके मुताबिक मुझे लगता है इसमें मैसेजेस भी हैं, क्योंकि खलील साहब को मैसेजिंग करने की बहुत आदत है, तो उन्होंने इस फिल्म में भी की है और उनके डायलॉग्स के अंदर बहुत से मैसेजेस हैं जो कि आप लोगों को सुनने को और देखने को मिलेंगे. साकिब भाई, स्पाइस एफएम. साकिब नजीर, स्पाइस मीडिया ग्रुप. और कहना, जो आप लोग आते हैं तो एक देश की खुशबू आती है आप लोगों से. क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं देश और प्रदेश वालों को, कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि इनको जोड़ा जाए, हमारे हालात भी उन्हें बताए जाएँ, उन तरह के जो मैसेज हैं वहाँ पर? क्योंकि हमें हमेशा पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ही रोल बताया जाता है, और हम लोग वहाँ बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, और कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि दोनों देशों को, देश और प्रदेश को जोड़ा जा सके? सर, इस पर तो बहुत सी कहानियाँ बन चुकी हुई हैं देश और प्रदेश वाली. इसमें भी किसी हद तक हमने दिखाया है, अगर ये इंग्लैंड की लड़की का कैरेक्टर कर रही हैं तो वो भी इस तरह से दिखा ही रहे हैं ना कि पाकिस्तानी कैसे रहते हैं. एंगल है उसके अंदर, फिल्में भी थी तो वो उसके अंदर भी एंगल था. और भी बहुत सी फिल्में बनती हैं, ड्रामे बहुत बनते हैं हमारे इस मामले पर, कि जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि पाकिस्तानी कैसे रहते हैं. तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आती रहती है दिखाने वाली, कि आप कहीं ना कहीं दिखाएं. मेरा एक ड्रामा था जैक्सन हाइट, वो था ही तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर जो अमेरिका में रहते हैं, तो इट वाज अबाउट एक्सपैक्ट्स. तो वो किसी ना किसी तरह से हम लोग कहीं ना कहीं जहां मौका मिलता है दिखा देते हैं, बात भी करते हैं उसके बारे में. जय शेख साहब. कंग्रेचुलेशंस आप ये फिल्म बनाई है, हमें बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान की आप प्रमोशन कर रहे हैं, विद आए हैं, वेरी एक्साइटेड. मैं ये आप लोगों को पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी फिल्में माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग है, दे डू रियली वेल, लेकिन क्या ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी आप निकालेंगे, लाइक अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स? स्ट्रीमिंग Maybe later. Because you see, a film, a cinematic film, a film made for the cinema has to release in cinemas first, and if it does well over there,
इट विल कम ऑन द ओटीटीज लेटर। ओके, ये हमें कई बार सुनने को मिलता है, लोग अक्सर हमें मैसेज भी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पे कब आएगी। उनको एक चीज समझ नहीं, यूट्यूब तो सानों कोई फायदा नहीं है। अगर हमने सिनेमा के लिए फिल्म बनाई है तो एग्जैक्टली सबसे महंगी। मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा ही हो, बिकॉज आई एम एक्साइटेड। मैं आप लोगों का एक्चुअली 4 साल पहले मिला था, जब चैंपियन 2 आई थी तो आप कुबरा को आपको मिला था, तो बाकी स्टार कास्ट को भी। तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि वो फिल्म कब रिलीज होगी, क्योंकि आई रियली वांट टू वॉच दैट। जवानी 2 कब रिलीज होगी? अच्छा, उसके अंदर कुछ इस किस्म के मसाइल भी होते हैं कि बहुत से आपके जो इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज्यादा एंगेज नहीं हैं पाकिस्तानी कॉन्टेंट के साथ, ठीक है, एंड देर आर पोलिटिकल रीजन देयर जो कि वो नहीं आते। और जिस तरह आपने कहा कि नहीं है एक्चुअली जवानी, आपको कुछ फेमस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी वो, मगर उसकी वजह सिर्फ यही रही है कि वो एक उसमें एंगल आ जाता है पॉलिटिक्स का। खैर है ना, कब तक नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। मुबासिर शाहिद, उर्दू पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम टू रिस्पेक्टिव मेंबर्स। मुबासिर शाहिद, मेरा सवाल तो बेसिकली सब जितने भी जबरदस्त यहाँ पर साथी हजरात हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत सवाल पूछ लिए हैं। सो आई एम रियली प्राउड के पाकिस्तानी सुपरस्टार कास्ट जो है वो लंदन नहीं जाऊँगा कैसा दोबारा आ रही है, पंजाब नहीं जाऊँगा वॉज अ मैसिव हिट। सो As being a little short artist, एक छोटे आर्टिस्ट की तरह मैं मिस मैविश से पूछना चाहूँगा, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क एंड ऑल्सो यू बीन स्टार कास्ट इन मिस मार्वल ऑन डिज्नी प्लस। सो हाउ वॉज दैट फीलिंग टू बी द पार्ट ऑफ मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स, बिकॉज मैं अपने शोज में मार्वल की कई बातें करता हूँ, बचपन से मैं कॉमिक्स पढ़ता आया हूँ। सो मिस मार्वल को जब मैं ऑन स्क्रीन देख रहा था एंड आई वॉच्ड यू ऑन द एपिसोड 3, मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हुआ। एंड हाउ वाज दैट, प्लीज थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच। और मुझे अभी तक ऑनेस्टली यकीन नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल हो चुका है, जबकि मैं इसकी शूटिंग मार्च 2021 में करा चुकी थी। सो एक तो इस राज को राज रखना, बिकॉज ऑफ NDAs इट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो मेरा तो बस चलता तो मैं किसी ऊंची पहाड़ी पे जाके चिल्ला चिल्ला के कहती कि मैं मिस मार्वल का हिस्सा हूँ, बट फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। बहुत खुशी का मौका है, बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए भी और तमाम और बाकी जो एक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तानी उनके लिए भी। प्लस इट्स अ प्रोजेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अस इन द राइट पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो कि वाज लैकिंग फॉर सो लॉन्ग। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, और इतना बड़ा फ्रेंचाइज हॉलीवुड का सबसे बड़ा वो हमें इस तरह दिखा रहा है, एक ब्राउन मुस्लिम पाकिस्तानी सुपर हीरो है, और यंगर जनरेशन उससे बड़ी इंस्पिरेशन ले सकती है, और वेस्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि वो हमारे कल्चर को हमारे नॉर्म्स को देख सकेंगे जान सकेंगे, और हम बड़े रिलेटेबल हैं एंड दैट्स व्हाट दे विल फाइंड आउट। सो इट्स अ ह्यूज स्टेप, इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट एंड वेरी हैप्पी। और आप लोग पूरा शो ज़रूर देखें और उसको जितना आगे तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। थैंक यू। अब्दुलसलाम साहब, नया दिन टीवी। मेरा सवाल वासी जो इस सवाल से कि आप खुद की लिखारी हैं और जो इस फिल्म के जो लिखारी हैं वो मशहूर है कि जब उनके डायलॉग्स अगर उसी तरीके से अदा ना किए जाएँ या उसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी जाए तो वो बड़े खफा होते हैं, तो कोई इस तरह का सीन भी हुआ है? और दूसरा ये है कि आपने कहा हुमायूं सईद साहब जो है इस वक्त जो है बीमार हैं और वो नहीं आ सके, तो उनका क्या अगला प्रोजेक्ट ये होगा कि लंदन से नहीं जाऊँगा? नहीं, जहाँ तक हुमायूं सईद साहब की बात है वो तो चले जाएंगे, ये अब लंदन से नहीं जाऊंगा, किसी और का प्रोजेक्ट हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और रही बात खलील साहब की, तो बिल्कुल वो है बड़े, मगर उसमें लकीली मैं बच इसलिए गया क्योंकि एक तो ये कि मेरा एक एक्सटेंडेड गेस्ट अपेयरेंस है और दूसरा मेरी बहुत सी लाइनें जो थी वो इंग्लिश में थी, तो इसलिए वो मैं बच गया उस चीज़ से क्योंकि वो इंग्लिश वाली लाइनें उन्होंने उस तरह ही लिखी जिस तरह उर्दू की लिखते हैं। और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि उनके जुमले इतने बैलेंस्ड होते हैं कि उसमें वाकई अगर हम कुछ इधर उधर भी एक जुमला आगे पीछे करें ना तो उसका वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, तो या मीनिंग चेंज हो जाती है। मिर्ज़ा साहब जी, आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं ओरिजिन मेरा जो लंदन से है, मैं समझता हूँ कि जैसे लंदन में मोस्टली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बहुत सी फिल्म की, स्पेशली इंडियन फिल्म की, बॉलीवुड फिल्म की, हमारी लॉलीवुड फिल्म की भी होती है, लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप पता है कि ये जो हडर्सफील्ड में पहली दफ़ा हो रही है, आप कैसा फील करें एक बात, और दूसरी बात ये कि आप क्या जानते हैं कि इस एरिया की इर्द गिर्द जो है ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे अराउंड दिस एरिया लाइक स्पेशली बिकॉज वी गॉट लीड्स, वी गॉट लाइक ब्रैडफोर्ड अराउंड है,
सो हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग यहाँ पर रहते हैं, आप कैसे फील करें? वुड यू लाइक टू कम अगेन? एब्सोल्युटली, अभी हम रास्ते में यही कह रहे थे कि कितना खूबसूरत है यहाँ ये पूरी ये जगह, एंड इट इज़ आवर फर्स्ट टाइम हियर, लेकिन द रीज़न वाई वी आर हियर इज़ बिकॉज कि यहाँ पर आप सब पाकिस्तानी, हमारी बड़ी ज़बरदस्त कम्यूनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और हम चाहते थे कि हम आपसे मिलें और अपनी फिल्म जो है उसको यहाँ पर प्रमोट करें. एंड आई थिंक ये पहली दफ़ा नहीं, हम और दोबारा आएंगे अगली फिल्म के साथ इंशाल्लाह. थैंक यू. हॉल में से और किसी का अगर कोई सवाल जी सोहेल साहब. अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुशामदीद कहूँगा, उसके बाद हमारे जितने भी ऑब्वियसली हम टिकटॉकर एज वेल, और जितने भी टिकटॉक पर सोशल मीडिया पर आपको इस वक्त लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ पास क्या देखते हैं? उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, और जो अगला गाना हम रिलीज़ करने वाले, एक तो मरजानी है, बड़ा अच्छा गाना है, लेकिन साथ साथ जो अगला गाना अब रिलीज़ होगा यार चट गया, वो परफेक्ट है टिकटॉकर्स के लिए, वो बड़ा वायरल होगा और बड़ा हिट होगा टिकटॉकर्स में. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टिकटॉकर्स टू एक्चुअली मेक देयर टिकटॉक्स ऑन दैट म्यूजिक क्लिप. Mixing the community there. I know somebody you already answered that, but I'm sounding like daft at the moment because I was asked to put your name forward for a question. That's why I put your name. All right, forward. Put me on the spot. let's go back a bit in terms of your aapki promotions hoti hai, wo hum keh rahe ki Bollywood ki ho rahi hai, big time hoti hai. Why hamari jo Pakistan ki film is fantastic films industry hai. इसकी इतनी ज़्यादा क्यों प्रमोशन, क्योंकि सिनेमे में आती हैं दे डोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, इसमें क्या प्रमोशन वालों की गलती है या डिस्ट्रीब्यूशन की है? नहीं नहीं सर, ना देखें, ना डिस्ट्रीब्यूशन की गलती है ना प्रमोशन की गलती है. एक कंट्री है जहाँ पे 350 हिंदी फिल्म बनती है, टोटल कुल मिला के 1200-1500 फिल्म बनती है. एक कंट्री है जहाँ पे टोटल 30 फिल्म बनती है साल की. आप उसके अंदर ये कंपेरिजन ना लें, इसमें गलती कोई नहीं है किसी की भी. मुझे लगता है सिर्फ एक टाइम के साथ ग्रो करना है. जहाँ पे बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शायद आज से 20 साल पहले थी या 25 साल पहले थी इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग फिल्म्स इन यूके एंड अब्रॉड, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अब वहाँ पे आ रही है. तो इसमें कुछ बुरा नहीं है. आपने रेस बाद में शुरू की, अगले रेस पे पहले भाग रहे हैं, ठीक है. जब हमारी 350 पहुँचेंगी तो आपको हमारी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी. मैं आपको बताता हूँ, सिनेमा की जहाँ तक बात है उसमें तो कम्युनिटी की हेल्प बड़ी सिंपल सी होती है. हेल्प भी मुझे लगता है, खैर आई एम नॉट रियली बिग ऑन द टर्म हेल्प, या वो जो लोग एक बड़ा हम बड़ा सुनते हैं अक्सर ये सपोर्ट, मुझे लगता है सपोर्ट नहीं. आप एंटरटेनमेंट देखें, आपने पैसे दे के देखनी है. हम कौन सा आपको कह रहे हैं कि मुफ्त में देखें? तो ये बड़ा गलत हो जाता है कि आप जब हेल्प का वर्ड या हम सपोर्ट यूज़ करते हैं, आप फिल्में देखेंगे सिनेमा में जाके तो वो ऑलरेडी हेल्प हो जाएगी, ठीक है. वो ऑलरेडी आप सपोर्ट कर रहे हैं उस फिल्म को. आप जाके अगर एज लॉन्ग एज सिनेमा में देखें, होता क्या है कि यहाँ पे हमारे मोस्टली नेट के ऊपर डाउनलोडिंग हो जाती है, ठीक है. आपके पायरेटेड वर्जन्स देख रहे हैं, दैट इज डैमेजिंग एवरी फिल्म. इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी, इट्स इंडियन फिल्म, इट्स हॉलीवुड एज वेल. आपने अगर टॉप गन जाके पायरेसी में अपने लैपटॉप पे देख लिया, इस पे देख लिया अगर, तो आपने नुकसान पहुंचा दिया. होगा क्या कि अच्छा, एक और चीज़ जो कि लोग रियलाइज नहीं करते कि आप कभी सिनेमा के मैजिक को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है. और हो क्या रहा है कि आप इस पायरेसी के जरिए उस मैजिक को सिर्फ डैमेज करते हैं. तो मैक्सिमम यही है कि जो फिल्म सिनेमा की बनी है आप सिनेमा में देख लें, वरना जो OTT वाली वो तो आपके घर में पहली दस्तयाब है. पायरेटिंग पे ज्यादा इशू होना चाहिए कि एनकरेज करें कि लोग को सिनेमा में जाएं. अगर सिनेमा की फिल्म है तो सिनेमा में जाके देख लीजिए. रेडियो संगम कैसे में? जी 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 संगम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अलोंग एंड ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस. थैंक यू नॉट जस्ट अस, आवर टीम, द पीपल हियर एंड द people outside who are like eagerly waiting, desperately banging, and security walon ko I don't think pata nahi kitne bruises mil gaye honge, you know. You talked about music, you talked about Marjaniya, which is a song that we've been playing all day here on Radio Sangam as well. Would you grace us with maybe singing it out live
a little bit, maybe a half a minute or something. I think that'll excite everybody. Punjabi hai usme Humayun agar hote wo aapko batate actually ki kitna mushkil tha wo yaad karna. Gana Butt Brothers hamare bade zabardast singer hain wahan Faisalabad ke, unhone gaya hua aur ek certain tone mein gaya aur uske andar to badi ek jise kehte hain गाड़ी पंजाबी है और वो पंजाबी भी आप लोगों को समझ आती है यहाँ पे अगर पंजाबी तो हाँ यहाँ पे सारे पंजाबी हैं। अच्छा तो फिर पहले दसवां सी मैं भी उन्नी देर से उर्दू बोल रहा हूँ इतना मेरा भी जोर लगा रहे हो सारे तो बेसिकली उस पंजाबी भी हैगी तो बड़ी एक गाड़ी किस्म की हैगी आम पंजाबी भी नहीं हैगी तो नाल वो एक ट्यून के अंदर हैगी है पंजाबी इस वास्ते आपने पख्तून कल्चर के साथ रिलेटेड जो ड्रामा भी बनाए आपके फ्यूचर में भी इस तरह कोई ड्रामा बनने के लिए और कोई इस तरह प्लान है या आप क्या मैसेज देते बंदूकें खत्म करने की या बंदूकें दोबारा लाने की? नहीं बंदूकें खत्म करने की आई थिंक संगे माँ का सारा पॉइंट ये है कि उसके अंदर दिखाया हुआ कि जो बात जबान से या प्यार से हो सकती है उसके लिए बंदूक उठाना ज़रूरी नहीं है. आई थिंक शेरजाद यही बात बार बार कर रही है तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे संगे मरमर की तरह उसमें भी बहुत चीज़ें दिखाई थी. आई एम श्योर के इस तरह से और भी और बहुत सारे ड्रामे आएंगे शायद फिल्में भी आएंगी बल्कि कुछ फिल्में आ भी रही हैं जो केपी के या कश्मीर साइड को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो एक मिसकंसेप्शन भी होती है सिर्फ हमारे मुल्क में हम कराची में या लाहौर में रहते हैं हमें भी मिसकंसेप्शन होती है लेकिन जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं और ज़्यादा. सो आई बिलीव कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और आने चाहिए और आ भी रहे हैं जो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे थोड़ा. लास्ट टू क्वेश्चंस क्योंकि फिर नीचे लोग. Assalamu alaikum. Welcome to my three most favorite actors of Pakistan. Thank you. Lovely to meet you all. Main bhi ek British actress hoon. To kya hum sab ko ek mauka milega ki hum sab ikatthe kaam kare? अल्लाह करे क्यों नहीं इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसी हमारी ये फिल्म है और ये फिल्में चलें तो उससे फिर जरा एक होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ज़्यादा मिलती है हिम्मत मिलती है और फिर वो ऐसे स्टोरीज पे आप काम करते हैं जो कि दोनों मुल्कों में हों या फिर सिर्फ इंग्लैंड के अंदर हों एंड यू नो शोइंग द ब्रिटिश पाकिस्तानीज तो वो सब डिपेंड करता है कि फीडबैक क्या आता है आपको. और जाहिर बात है कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर जब तक फीडबैक नहीं आता तो वो जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हिम्मत नहीं पकड़ पाते. कौन सी फिल्म कहाँ बन रही है यही सवाल था जो जरका ने कह दिया मुझे पता क्या क्या मुश्किलें आती हैं. जी जी तो कम अज कम यहाँ के कोई एक्टर बहुत है मैं अपने आप को जरका को नहीं कह रहा हूँ बहुत है जैसे ये आके चले इस तरह के हैं कोशिश कीजिएगा कहिएगा हमारे सही साहब को उनके प्रोड्यूसर साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा नदीम साहब को भी दीजिएगा बस इतना ही कह सकता हूँ कि हम आपके साथ हैं. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी आप तमाम का वापस ना जाएं. थैंक यू आप तमाम का जी बासे साहब से और मैं भी साहिबा से और कुबरा साहिबा से यही गुजारिश है अगर कुछ और समअप करना चाहें और फिर हम इसके साथ ही ये ख़त्म करेंगे प्लीज. मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ हमसे मिलने के लिए आने का इतना प्यार दिखाने का हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके
एंड डू वॉच द मूवी क्योंकि ये आप लोगों को पसंद जरूर आएगी. इट्स अ पैसा वसूल. सारी फिल्में आप सिनेमा में बस जाके देखिएगा. ये गुजारिश है. तीन कराची में देख के आया था, चौथी यहाँ देखी. जबरदस्त जबरदस्त. दैट्स द स्पिरिट. देखनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. घबराना नहीं. आपकी फिल्मों का बहुत मजा आ रहा है कि नंबर वन आपने स्टार्ट किया था पंजाब नहीं जाऊंगा, नंबर टू है लंदन नहीं जाऊंगा, ये तो जरूर हिट होगी इंशाल्लाह. तो पार्ट थ्री क्या बनेगा? वो सलाम अमेरिका नहीं जाऊंगा. सलाम साहब ने कह दिया ना कि लंदन से वापस नहीं जाऊंगा. Assalamualaikum, मैं हूं महवेश हयात और हमारी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज हो रही है 8 जुलाई को अक्रॉस द यूके एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आप जहां पर भी हैं जरूर सिनेमा में जाकर देखिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो संगम. फूड फैशन एंड फिल्म. We are doing a festival called the Sangam Festival, which is 100 events. So, for example, for fashion, Asim Jofa Ji are rahe hain, fashion show kar rahe hain, that sort of thing. It would be lovely if you kind of just maybe said, you know, come to the Sangam Festival because it's promoting Pakistani culture. Luck to you and for the whole Sangam Festival. Mar janiye kyun na kare vakani hai, aashiqan da dil ka to ila tadpani hai, holi holi akhan naal kar di shadani hai. मेरा दिल लै गई तू मर जानी है, वो मर जानी है क्यों नखरे वखानी है, आशिका दा दिल का तो इना तड़पानी है, नी मर जानी है क्यों नखरे वखानी है, आशिका दा दिल का तो इना तड़पानी है, होली होली अखां नाल कर दी शैतानी है, नी मेरा दिल लै गई तू मर जानी है, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी, नी तू नार पंडोले वरगी ए गन्ना दे डोले वर्गी, नी तू नार पंडोले वर्गी ए गन्ना दे डोले वर्गी, ओ बार तेरे आके किसे ने जो बोलना पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना. जान के बुला तो तू जान कड़ी जानी है, दस मैनू सोनी है कि मेरे कोलो चौनी है, लोका नू ना वेख के तू डीवी पाया कर, दस लोका नू के बली है तू जट दी दीवानी है, सूरत पौड़ी पाली है मुखड़ ते रहती लाली है, वाह की कहने सरकारां दे अग तो भी अथरी जवानी है, मुंडा जट्टा दा ना बली है तू आम समझी, छत्ती रोले अज जट दा निजाम समझी, तैनू कट के ले जाणा असी नाल बलिए, कर दम सारा इंतजाम बलिए. नारे 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 भुल लग गए किकरानू, किमें मैं भुलावा माया तेरिया फिकरानू, किमें मैं भुलावा माया तेरिया फिकरानू, मर जानिए क्यों नखरे वखानिए, आशिकां दा दिल का तो इला तड़पानी है, होली होली अखां नाल कर दी शैतानी है, नी मेरा दिल लै गई तू मर जानिए, ओ मर जानिए क्यों नखरे वखानिए, आशिकां दा दिल का तो इला तड़पानी है, नी मर जानिए क्यों नखरे वखानिए, आशिकां दा दिल का तो इला तड़पानी है, होली होली अखां नाल कर दी शैतानी है, मेरा दिल लै गई तू मर जानी है, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी, नी तू नार पंडोले वर्गी ए गन्ना दे डोले वर्गी, नी तू नार पंडोले वर्गी ए गन्ना दे डोले वर्गी, ओ बार तेरे आके किसे ने जो बोलना पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना.
जान के के बुला तो तू जान कड़ी जानी है दस मैनू सोनी है कि मेरे कोलो चौनी है लोकां नू ना वेख के तू दीवी पाया कर दस लोकां नू के बल्ली है तू जट दी दीवानी है सूरत पौड़ी पाली है मुखड़ ते रहती लाली है वाह की कहने सरकारां दे अग तो भी अथरी जवानी है मुंडा जट्टां दा ना बल्ली है तू आम समझी छत्ती रोले अज जट दा निजाम समझी तैनू कट के ले जाणा असीं नाल बल्ली है कर दम सारा इंतजाम बल्ली है नारे 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 भुल लग गए किकरानू किमें मैं भुलावा माया तेरिया फिकरानू किमें मैं भुलावा माया तेरिया फिकरानू Right, guys, 4:27 on the clock, 25th of June, 2022. It's a Saturday evening. And how are you today? I hope you guys are absolutely fine, wherever you guys are listening to Radio Sangam 107.9 FM. We've got Kubra Khan, Mehvish Ayad, and my very dear brother. Vasir Chaudhary is here with us in the studios, and we're going to talk about London. I won't go to London. खबरें की रोला लंडन ना जाने का सानते पता है जी इतने टिकटा बड़िया महंगा ने लेकिन इतों पाकिस्तान जान दियाँ वासे चौधरी भाजन को पूछने कि पाकिस्तान इतने आने दी भी टिकटा को महंगा सगिया या की रोला है क्यों लंडन नहीं जाना चाहते असलामुअलैकुम पाजी की हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक तुसी सुनाओ की हाल चाल मैं जी वधिया बिल्कुल सर लंडन क्यों नहीं जाना तुसी महंगाई बड़ी है महंगाई तो हुन पूरी दुनिया दा रोला है की कर सकदे हां नहीं मगर लंडन को ज्यादा महंगा है इस वास्ते अच्छा तदी दा तुसन नु असी इत्थे हडरसफील्ड दे विच बुला लिया बिल्कुल मैं भी इस वास्ते आया मैं कह ऐसे जरा कम चल जाएगा लंडन च नहीं हो सकदा बिल्कुल ऐसा ही है और कुबरा को भी वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम कुबरा वालेकुम अस्सलाम मैं भी साहब को भी वेलकम करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हडरसफील्ड आने के लिए बहुत शुक्रिया थैंक यू और बताइएगा कि लंदन नहीं जाऊंगी आपकी लंदन नहीं जाऊंगा क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगी थी वो ज़बान पे हाँ तो वो गी और गा में काफी अब जो हाँ। है वो फर्क हो वो हम मिक्सअप होना शुरू हो चुके हैं तो बताइएगा कि लंदन नहीं जाऊंगा का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा 8 जुलाई को आपकी फिल्म आ रही है क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी आपको सुन रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के हवाले से एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये फिल्म आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरे हमने अपना काम कर दिया दिल से मेहनत से इस फिल्म को बनाया है और अपना खून पसीना लगा के हमने ये शूट की है अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जाके देखें और ये मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद जरूर आएगी ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल फिल्म इज अ वेरी फन फिल्म एंड इट हैज अ ग्रेट मैसेज एज वेल साथ में इमोशंस भी हैं रोमांस भी है कॉमेडी भी है जो मेरा कैरेक्टर है एज अ पंजाबी गर्ल अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ ये बता सकती हूँ बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन वासे भाई आपके किरदार के हवाले से बताइए हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुन रहे थे कि आपका बड़ा छोटा सा लंबी एक्सटेंडेड आपने कहा कि गेस्ट अपीयरेंस है तो वो उस अपने रोल के हवाले से बताइएगा हम आपको इस फिल्म में क्या करते हुए देखना देखेंगे जिसमें आप मुझे वही करते हुए देखेंगे जो मुझे आप इससे पहले करते हुए देखे आए हैं मैंने कुछ नया नहीं किया सिर्फ मैंने इस साल वही वाला रोल जो है दोबारा किया सही मेरे साल का टेक ऑफ नहीं हुआ था मैंने कहा कि ये वाला भी कर लूं सही और अभी ये जो हमने अभी गाना भी प्ले किया आपका मरजानी बड़ा जबरदस्त किस्म का गाना है अपबीट बीट है और बहुत ही इसमें हुक स्टेप एक बड़ा मजे का आ रहा है आने वाले जो गाने उस हवाले से डांस करने का दिल चाहता है गाने को सुन के मेरा पैन वजन देख लो मैं डांस करता हूं मैं तो आड़े वर्गा नहीं हूं पतला मैं भी डांस नहीं किया सिर्फ हमारे लोग यही समझते हैं कि अगर आप ज्यादा डांस वांस करें तो वजन कम हो जाता है ना तो आफ्टर इफेक्ट है अगर आपको ये लग रहा है कि वजन का मसला है तो आप करते क्यों नहीं आपके लिए गाना बनाया बस अब मैं हूं तुसी कह गए तो हूं मैं हूं सुबह दोपहर शाम आपने सुबह गोली ना खाओ बस जानिए डांस करना जे यकीन करो फक होएगा सही सही आप म्यूजिक के हवाले से बता रहे थे मरजानियां तो गाना बहुत जबरदस्त है बहुत बट साहब ने बड़ा ही कमाल का गाया बाकी गानों के हवाले से बताइए किस किस्म का म्यूजिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बीट है मेलो गाने हैं गजल वजल टाइप के गाने हैं या किस किस्म का म्यूजिक है इस फिल्म में चार गाने हैं और चारों ही पंजाबी ट्रैक्स हैं एक बड़ा रोमांटिक है नॉस्टैल्जिक एक मेलो है एक सैड सॉन्ग है और दो बड़े जबरदस्त शादी सॉन्ग है जिसमें से एक तो मरजानी है एक गाना जो है वो कुबरा ने उसमें जबरदस्त परफॉर्म किया है उसका नाम क्या है That's a very good question. मेरा गाना It's sung by Misha Shafi और बड़ा जबरदस्त टप्पा है वो basically. It's a wedding song. It's a wedding song. सही वो सरप्राइज भी मिलेगा आप लोगों को एक आधे में वो भी रिलीज हो जाएगा डेफिनेटली हमारे सुनने वाले भी हैं जो अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो गाने आने वाले हैं कोई एक्सपेक्टेड डेट्स हैं आपके पास कि कब बस आपको ये अगले ही 14 दिन के अंदर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ गाने
सुनने को मिलेंगे। और ये बिल्कुल अगर आप लोगों ने ARY Films का YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहीं पे आपको ये सारे गाने जो हैं वो मिलने वाले हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म का पोस्टर लग रहा है, बड़ी जबरदस्त किस्म की कहानी है, खलील रहमान कमर साहब की शायद कहानी, और उसी हवाले से बिल्कुल डायलॉग स्क्रीन प्ले खलील रहमान कमर साहब का है। जितने खलील साहब के फैंस हैं और बड़े आइकॉनिक डायलॉग रखते हैं खलील साहब, आई बिलीव इज वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग राइटर्स दैट वी हैव फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो उनको बहुत मजा आएगा उनकी बातें सुन के। बिल्कुल, और यहाँ पे हॉटेस्टफील्ड में बड़ी मिक्स कम्युनिटी है, बांग्लादेश से लोग हैं, इंडियन गुजरात से लोग हैं, पंजाब से बहुत से लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब भी पाकिस्तानी फिल्म आती है तो कॉन्सेप्ट यही लोग समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तानी ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं। ऑफकोर्स द फिल्म इज फॉर एवरीवन, जैसे जब भी कभी इंडियन फिल्म आती है पंजाब की तो हम जितने भी लोग हैं तमाम लोगों को कहते हैं जी पाकिस्तानी भी ये जरूर फिल्म देख लेते हैं। आप जो इंडियन पंजाब से लोग हैं, इंडियन गुजरात से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से लोग हैं, उनको इस फिल्म के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फिल्म उनके लिए भी है या सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? नहीं, देखें, जिस तरह इंडियन फिल्म हम सबके लिए होती है, हम भी देखते हैं, उसी तरह इंडियंस भी हमारी फिल्म देख सकते हैं, और वही लैंग्वेज है, खासतौर पर जिनको हिंदी समझ आती है उनको तो ये फिल्म आराम से समझ आएगी, मतलब यू नो इट्स जस्ट लाइक हिंदी। रही बात आपने कहा श्रीलंकन और बांग्लादेशीज की, तो वो भी नीचे सब टाइटल चल रहे होंगे, तो जहाँ आप जापानीज और चाइनीज फिल्म सब टाइटल से देख लेते हैं साड़ी देख लो की होगी, इट्स फॉर ऑल साउथ एशियंस, वो सब देख सकते हैं। You see, you watch films from any country to see what's happening in their part of the world. तो वही थ्योरी यहाँ भी है कि see and come and see पाकिस्तानी films, हमारी फिल्म है कायदे आज़म जिंदाबाद रिलीज हो रही है, see and what's and actually you will get a different view of Pakistan, जो आपको न्यूज में देखने को मिलता है पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है जो आपको फिल्म में नजर आएगा। So I think it's a good opportunity for any nationality to watch a film. सही, हमारे पास जब हमने पोस्टर लगाया था तो महवेश के लिए एक बिलखसूस सवाल आया था कि महवेश की जो पिछली फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें वो बड़ी आपकी डोमिनेटेड फिल्म थी, यानी कि आप ही आप नजर आ रही थी उसमें, बहुत सराउंड कर रही थी हुमायूं सईद को, तो क्या इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है? हुमायूं भाई को कोई लग्जरी वग्जरी मिल रही है कोई उनको, या मतलब आपने उनको इस टाइम पे भी डंडा रखा हुआ कि नहीं मैं तो क्या कह रही? इस दफा तो आई थिंक इट्स अमल 2.0 अगर उस हिसाब से आप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड है मेरा कैरेक्टर, और साथ साथ मेरा ही नहीं बल्कि कुबरा का, सबा आपा का, सबा हमीद है इसमें, उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। और आई थिंक ये जो ज़ारा का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है, उसकी क्या डायनामिक है, उसकी क्या बैक स्टोरी है, वो क्यों क्या कर रही है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड हर, व्हाट मिशन इज़ शी ऑन, ये तो फिल्म देख के पता चलेगा। बट मैंने सिर्फ हुमायूं को ही नहीं, सबको ही उंगली पे नचाया है वैसे। कुबरा, आप आपका जो रोल है अपने रोल के हवाले से थोड़ा सा आप ही बता दें कि आपकी भी कोई, जैसे हमने आपको भी संगे माँ में देखा है तो उसमें आपका बड़ा जबरदस्त किस्म का कैरेक्टर है, बहुत लोग आपके उस कैरेक्टर को भी पसंद करें। हाँ, तो मैं नचा रही हूँ। सही, और जैसे कि आपने तो कहा कि आपका एक्सटेंडेड रोल है ही है, तो आपके रोल के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं। इन जनरल फिल्म 8 जुलाई को आ रही है और यकीनन हमारी जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको लेके बहुत एक्साइटेड है, लेकिन मैं भी से एक और सवाल भी है मिस मार्वल के हवाले से भी, बहुत से लोग हैं बहुत एक्साइटेड है, बिलखसूस बच्चे छोटे जो हैं वो आपको आपसे बहुत ज्यादा अब इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो आपके ऊपर एक एक्सटेंडेड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई क्योंकि बच्चे जो है वो आपको जब देखते हैं तो आपको अब उस कैरेक्टर में देखना चाहिए, उस हवाले से बताइए आप कितनी एक्साइटेड थी, क्योंकि आपने एक पाकिस्तानी पूरे ना सिर्फ डायस्पोरा को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया उस फिल्म में, वो भी थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। मैं आपको बताऊं, मैं अपने नेफ्यूज और नीसेस की नजर में बहुत कूल आंट बन चुकी हूँ। सो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे स्ट्रीट क्रेड मिल गई है इन लोगों के सामने, एंड ये बड़ा जबरदस्त एक प्रोजेक्ट है मिस मार्वल, जो कि एवरीवन इज रेविंग अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज इट्स द फर्स्ट जिसमें एक ब्राउन मुस्लिम पाकिस्तानी सुपर हीरो है, हुज अ टीनेजर, कमाला खान, और साथ साथ यही नहीं बल्कि हमारी कहानी है, साउथ एशियंस की कहानी है, मुस्लिम्स की, पाकिस्तानीज की, और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि इवन फॉर द मार्वल यूनिवर्स, ये उनके लिए भी पहली बार है कि उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट को उठाया है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कई सालों से इस बारे में बात करती रही हूँ कि जिस तरह मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को मिस रिप्रेजेंट किया गया इन द वेस्ट, इन द बॉलीवुड अनफॉर्चुनेटली, बट टाइम्स हैव चेंज्ड, एंड मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हमें इफ़ नॉट अ पॉजिटिव पोर्ट्रियल एट लीस्ट वी शुड हैव अ बैलेंस्ड एंड अ फेयर पोर्ट्रियल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मिस मार्वल इज़ डूइंग, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड
and I'm so happy that there is a superhero that all South Asian kids can relate to and learn from, and the audiences in the West can learn about us through this show. So it's a very win-win situation for all of us, and this is first of many that is going to change the perspective of Muslims and Pakistanis that we have had for the longest time. एक और आप यहाँ पे मौजूद हैं, एक और सवाल भी कर लेते हैं। जिशान भाई से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि आप एक एल्बम पे भी काम कर रही हैं, तो उस एल्बम पे आपका काम कब पहुंचा, कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके गाने? जिशान भाई से बात हुई, आप कह रहे हैं वाह जबरदस्त कि मेरे भाई जो यूएस में उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एल्बम तो नहीं आ रहा क्योंकि अब एल्बम्स का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, बट यस कुछ सिंगल्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह दो ट्रैक्स तो ऐसे हैं जो कि एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह आई विल बी रिलीजिंग। नो प्रॉब्लम, जैसे मेरी अमरीन से भी बात होती रहती है अक्सर। और कुबरा आप बताइए, आपके कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे इस फिल्म के? ऑफ कोर्स आप इस फिल्म की प्रमोशन के हवाले से यहाँ पे आई हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके फैंस ऑफ कोर्स उस पे देखना चाहेंगे कि आप कौन कौन से? कोई फिल्म का प्रोजेक्ट आ रहा है आपका आने वाला, या हम आपको भी सिंगिंग करते हुए देखने वाले? नहीं नहीं, मेरी सिंगिंग वाली आवाज बिल्कुल नहीं है, आई हैव अ वेरी मर्दानी आवाज, आई एम गोना स्टे अवे फ्रॉम दैट। लेकिन मेरी एक और फिल्म रिलीज हो रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और आई एम वर्किंग ऑन दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट हसीब हसन के साथ, अभी जाते ही वापस वो शुरू कर दूंगी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सही। और वासिफ भाई, किसी ने कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया ना मुझे, कोई सिंगिंग के लिए पूछता है तो इसलिए मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके बारे में आप जान सकेंगे। मजाक रात में, आने वाले दिनों में बता दें केड़े केड़े बंदे तुसी बुलाए ने जिन्होंने तुसी प्रोग्राम करने वाले। आप देखिएगा, मुझे खुद नहीं पता अभी तो मुझे जाके पता चलेगा वापस। चले, इट वाज जाने पहचाने चेहरे नजर आएंगे। हां बिल्कुल, वो तो आएंगे। डेफिनेटली इट वाज प्लेजर हैविंग यू एट रेडियो संगम, और हम आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत मजे का लग रहा है। डेफिनेटली हमारी जितनी भी कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। जाते जाते बार बार ये मैं वही बात कह रहा हूँ, मैसेज मैसेज मैसेज, तो बता दें कि फिल्म, इस फिल्म को सपोर्ट करना, क्योंकि वासिफ भाई ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं सपोर्ट वाली बात नहीं कर रहा, इस फिल्म को देखना, क्योंकि हम जब भी किसी भी आर्टिस्ट से सवाल करते हैं तो पूछते हैं कि इस फिल्म को देखना क्यों जरूरी है, तो अगर आप कोई बता दें कि इस फिल्म को क्यों जाके देखना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पे मौजूद है, ना सिर्फ ये पाकिस्तानी जो सिनेमा है उसको सपोर्ट होगी ऑफकोर्स, बट इन जनरल इस फिल्म में ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो कि जाके देखना चाहिए? इस फिल्म में है एंटरटेनमेंट, 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 डेफिनेटली यही एक रीजन है जिसकी वजह से सबको देखनी चाहिए। ऑलरेडी जो ग्लोबली एक क्लाइमेट है, जो परेशानियां हैं, जो भी आप चीजें देख रहे होते हैं, उसमें बड़ा एक there's a lot of sorrow attached to it, a lot of worries attached to whatever we're watching, whether it's news ya jo drama bhi hum dekhte hain usme bada rona dhona hai. To film jo hai na ek cinematic experience isliye hota hai ki aap 2 ghante ke liye 2.5 ghante ke liye apne tamam pareshaniyon ko side pe rakhe, aap ek magical duniya mein ek enter ho jate hain, like Vasa said ki it's you get to know about what's happening in their world and it's all through and through entertaining with a message in it. So I think there's no reason why anyone should not watch this movie. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? I think one of the main reasons, obviously it's entertainment, it's you know fun and a, you know a happy movie, लेकिन I think one of the main reasons we should watch it is because ये हमारी अपनी फिल्म है, you know it's a South Asian film and I think we should support our cinemas as much as we can, we should support our art form in any way it is, so yeah I think that's one of the main reasons कि अपनी जो एक अपनीयत होती है, अपनायत, I don't know the loves, लेकिन अपनायत जो होती है उसको दिखाना जरूरी होता है, and I think this is your chance to do it, so जी वासी भाई। And it's a piece of Pakistan away from Pakistan, exactly. जो overseas Pakistanis हैं, वो तो specially crave करते हैं और अपने culture को और अपने ज़बान को और अपने लोगों को, अपनी कहानी को सुनना चाहते हैं। So I think that's what this is. आप मैसेज से बाज नहीं आए, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने मैसेज सुन भी लिया उनसे, तो इसलिए मैं भी कोई मैसेज देना चाहता हूँ जो अर्डफील्ड के लोग हैं उनको, अबाउट टुमारो, that it's going to be largely a dry and bright start. Although a few scattered showers are likely to develop into the afternoon, breezy on the western hills, breezy but feeling warm in the sunshine, the maximum temperature of 23 degrees centigrade. Enjoy your weekend. Thank you very much, everyone. Enjoy your weekend and do keep an eye out for 8th of July when this movie is releasing. Go and watch this amazing movie in the cinemas and do support. ये नहीं कहेंगे लेकिन मैं जरूर कहूँगा. Do support the Pakistani cinema or any cinema. Whether it's Indian, Bollywood, Pollywood, whichever wood it is, but go and support it. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. Thank you जी. Enjoy कीजिएगा इस बहुत ही खूबसूरत से गाने को. This is Marjaniya once again, But Brothers and Justin Bieber's. उठो के भाईजन.